हाँ भाई। ओ भाई इधर कुछ है यार। ओ भाई क्या है यार, डरा दिया। स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इतना प्यारा आपको लग रहा होगा ये पत्थर गिरने वाले हैं। भाई इसमें अगर आप देखोगे, इसमें कुछ मछलियां भी हैं। और वो कितनी लाइन से चल रही है ना, बिल्कुल एकदम सिमेट्री में चल रही हैं। ये भी राजाओं ने ही अपने टाइम पे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी होंगी। हे गाइस, मेरा नाम है परमीत और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल परमीत व्लॉग्स में। तो दोस्तों एक बार फिर से एक फ्रेश व्लॉग है और आज का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में एक बार फिर से मैं कश्मीर में हूँ और कश्मीर का परी महल आपको दिखाने वाला हूँ। विजिट करा रहा हूँ आपको परी महल का। तो अभी हम हैं अपने होटल में और मेरे साथ मेरा फ्रेंड संदेश एक बार फिर से मेरे साथ रहेगा। तो दिखाते हैं कैसे आप कश्मीर से परी महल तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अभी हूँ मैं राजबाग श्रीनगर के एक होटल में और वहाँ से कैसे कैसे आप परी महल तक, मतलब मोस्टली जितने भी टूरिस्ट आते हैं आपको पता है TRC या उसके अलावा राजबाग में ही यहाँ पे रुकते हैं, तो यहाँ से कैसे कैसे आप परी महल तक पहुँच सकते हो, क्या साधन से आप वहाँ पहुँच सकते हो और कितना टाइम लगता है, तो पूरी डिटेल्स वीडियो में मिल जाएगी। और स्टे ट्यून्ड कि परी महल में क्या क्या चीज़ें आज होने वाली हैं। पर यार चैनल पे न्यू आए हो तो जल्दी से जाके करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि व्लॉग आपको कैसा लगते हैं। तो गाइस होटल से हम निकल चुके हैं, हमने करी थी ओला कैब बुक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको हर चीज़ डिटेल्ड में बताऊंगा। तो आपको अगर ओला कैब बुक करते हो तो आपको 250 से 300 के बीच में ओला कैब बुक हो जाएगी, जो आपको डायरेक्टली आपके होटल, मतलब मैं राजबाग में हूँ तो राजबाग से सीधा डायरेक्ट आपको परी महल तक पहुँचा देंगे। तो ये हैं कुछ जाते हुए श्रीनगर के व्यूज़, और ऊपर सामने आप पहाड़ पर देख रहे होंगे वो है शंकराचार्य जी का मंदिर। तो भाई 5 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच चुके थे डल लेक के पास, और डल लेक से जो सामने दिख रहा है वो है हरी पर्वत। एक्चुअली आज का हमारा यहीं का प्लान था, पर बाद में हमें पता लगा कि संडे को वहां पे बंद रहता है। सो फाइनली हमने प्लान करा कि आज हम परी महल जाएंगे। तो अभी हम हैं रास्ते में परी महल की तरफ, मिलते हैं वहाँ पर पहुँच। गाइस फाइनली 20 से 25 मिनट की राइड के बाद हम पहुँच चुके हैं परी महल के बाहर। तो ये कुछ बाहर का ऐसा लुक है, एक पुराना सा महल टाइप लग रहा है। और सबसे पहले जाके हमें लेनी होगी टिकट, तो जो कि टिकट काउंटर यहाँ बाहर हमें मिलेगा। तो ये है परी महल का एंट्रेंस जहाँ आप सबका स्वागत है। तो अंदर जाते यार बिल्कुल एक परियों का महल सा लग रहा है हमें, काफ़ी खूबसूरत बगीचा टाइप का है। तो अंदर जाके और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें दिखने वाला है, लेकिन फर्स्ट लुक में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी यहाँ की जो पत्थर या बिल्डिंग्स वगैरह है, ऐसा लग रहा है इसको बिल्कुल भी इन्होंने टच नहीं किया है, जैसा का वैसा ही रखा है। तो अंदर ये एक्चुअली इसके 3-4 फ्लोर्स हमें दिख रहा है, स्टेप वाइज में ये बना हुआ है। तो आगे जाके और ज़्यादा भी एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं तो रश काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, आपकी एंट्री एक सेंटर वाले फ्लोर में होती है और उसके नीचे एक फ्लोर है और एक ऊपर है। तो अभी संदेश भाई को हम फॉलो करते हुए टॉप फ्लोर पर जाएंगे, वहाँ से देखेंगे कैसा नज़ारा आता है। लेकिन जाते जाते ये छोटी सी गुफा टाइप की थी जहाँ पर पत्थरों के बीच में से हमें जाना था, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था यार, क्योंकि ये जो पत्थर थे ना काफ़ी ज़्यादा ओल्ड और पुराने लग रहे थे। तो वहाँ से निकलते हुए जब हम टॉप पे पहुँचे तो ये पुराने सा पत्थर का एक, मतलब प्रिजन टाइप का हमें दिखा, कुछ जेल टाइप की। लेकिन कैसा लगा परमीत भाई आपको यहाँ पे? फिर काफ़ी अच्छा लगा यार। तो लास्ट वीक हम गए थे ट्यूलिप गार्डन, जो कि बहुत ही हमारा गंदा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे ना वहाँ पे ऐसा था कि अभी ट्यूलिप्स ग्रो नहीं हुए थे। ओपनिंग वाले दिन ही हम चले गए थे और बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन यहाँ पर जो यार मज़ा आया ना आज, लिटरली इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि यार जगह काफ़ी अच्छी है, एकदम पहाड़ पे जगह है और मतलब काफ़ी खूबसूरत है। और थोड़ी सी अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें ना, हाँ, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा। जो बिल्ड करवाया गया था शाहजहां, मतलब मुगल एम्पायर के टाइम पे इसको बिल्ड अच्छा। किया गया था। शाहजहां जी हम जो मुगल एम्पायर के किंग थे उस टाइम पे, उन्होंने बिल्ड करवाया था अपने सबसे बड़े बेटे के लिए, ओके, जिसका नाम था दारा शेख। अच्छा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 साल रहा है अलग अलग ईयर्स में। अच्छा। वो 1640 में और 1655 में और 1645 में। पूरी हिस्ट्री पढ़ ली इसके बारे में? हाँ, मैंने थोड़ा देखा था नेट पे। अच्छा। मतलब जहाँ जा रहे हैं हम तो कम से कम थोड़ा पता होना। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, सही बात है। वो यहाँ पे हम थोड़ा वापस नीचे आ रहे हैं, तो कैमरामैन संदेश भाई भी आएंगे। और ये थोड़ी गुफा सी टाइप है, मतलब पत्थर बहुत पुराने टाइप के। ये भाई परमीत भाई, तो हमारे मॉडल जो आगे आगे चल रहे हैं, इसके पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ, शूट कर रहे हैं हम इस एरिया को। तो
आपको दिखाऊंगा थोड़ा नीचे वो यहाँ ना, ये देखो भाई, ये देखने वाली चीज़ है। इतने खूबसूरत फूल हैं यहाँ पर, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इतना प्यारा, आपको लग रहा होगा ये पत्थर गिरने वाले हैं, पर एक्चुअली ना यार, इतनी मुझे नहीं पता उस टाइम पे सीमेंट होता था या किस टाइप का सीमेंट से ये चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन जो भी है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप खुद सोच सकते हो, मतलब 1640 से अगर ये चीज़ें बनी, उससे भी 1640 और 1645 में तो यहाँ पर हमारे दारा शेख जी रह चुके हैं, 1645 और 1654 में भी। तो आप खुद सोच सकते हैं ये कितना पुराना होगा, और फिर भी आज तक इसका कुछ नहीं हुआ है। तो इससे हम खुद सोच सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ें होती थी वो कितनी नेचुरल और किस तरीके से बनाई जाती थी, कि आज तक वो जितने भी हमारे पुराने फोर्ट्स हैं अभी तक ज़िंदा है। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसी के साथ अब मैं आपको दिखाऊंगा मछलियाँ। परमीत भाई ने कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया, जो कि जिसके बारे में वो घंटा नहीं पता था कुछ भी। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये है शाही तालाब, यहाँ पर राजा आके नहाते थे सुबह सुबह। यहाँ पे ना उनकी जो हमारे दारा सिंह जी थे, दारा शेख जी, हाँ, वो यहाँ पर लाइब्रेरी थी। यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी, नहीं। यहाँ पे भाई मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट हिस्ट्री के बारे में, परमीत भाई को कुछ नहीं पता। ये जो है, ये है शाही तालाब, इसमें ये तालाब है। अगर आप ये नीचे देखो, शाही तालाब, यहाँ पे सुबह सुबह आके राजा नहाते थे, स्नान करते। बड़ा हरामी हो बेटा। स्नान स्थल है यहाँ पर, क्योंकि डल लेक उनको थोड़ी दूर पड़ जाती थी, तो उन्होंने अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल बना लिया था यहाँ पर। बात तो सही है भाई, इसमें अगर आप देखोगे, इसमें कुछ मछलियां भी हैं, और वो कितनी लाइन से चल रही है ना, बिल्कुल एकदम सिमेट्री में चल रही हैं। ये भी राजाओं ने ही अपने टाइम पे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी होंगी, और ये मेरे को लगता है काफी काफी ज्यादा जनरेशन पुरानी मछलियां मुझे लग रही हैं यहाँ पर ये। तो भाई भाई पुरानी जनरेशन थोड़ी, इतनी इनकी लाइफ होती है, कितनी है मछलियों की भाई। मछलियों का साइकिल प्रोसेस चलता रहता है, वो एग्स देंगी, उनके दोबारा आगे आएंगी, तो उस वजह से आप देख सकते हैं भाई बहुत कम है यार। दिखाता हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर जीपीएस टैग भी लगा हुआ है। कहाँ पे लगा भाई? अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं, ये मछली, ये इधर जैसे कुछ, ये एक मछली है, इसके ऊपर जीपीएस टैग लगा हुआ है, ये जो जा रही है ये इस कंट्रोल कंट्रोल टाइम्स टू गो बैक। और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं वापस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये सारा एक्सप्लोर करने के बाद काफ़ी अच्छी जगह लगी है यहाँ पे। तो कभी भी कश्मीर आते हो तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, क्योंकि मस्ट विज़िट है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ आओगे काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ आके पूरा कश्मीर देख सकते हो, मतलब यहाँ से जितना भी श्रीनगर सिटी है, डल लेक, ये वो सारा चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। तो भाई वापस जाते जाते ना, हमें रास्ते में ये एक हंगुल इको स्टॉप ये मिला, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का था, जहाँ पे एक कैफ़े भी था। तो कभी भी आप यहाँ आओ तो ज़रूर यहाँ आके यहाँ का फूड ट्राई कर सकते हो। वैसे हम तो यहाँ पे नहीं गए, क्योंकि एक्चुअली यार हमारे साथ ना एक सीन हो गया, हमने आते टाइम कैब को बुक करा था, लेकिन वो हमने वन साइडेड किया था। तो जब यहाँ पे हम पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे वो लोग जो है, जितनी भी कैब्स वगैरह बुक करके या ऑटो बुक करके आते हैं, तो वो डायरेक्टली मतलब बोथ साइड के लिए करके आते हैं। तो हमें यहाँ ऊपर आके ना कोई 2 किलोमीटर पैदल नीचे जाना पड़ा, क्योंकि नीचे चश्मेशाही था, तो वहाँ से गाड़ी आपको कन्विंस आराम से मिल जाएगी, लेकिन ये ऊपर वाला जितना भी एरिया था ना, तो सारा हमें पैदल जाना पड़ा। तो यार हम पैदल चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बोर्ड दिख गया, जिसको देख के मेरे को भी अब डर लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वाइल्ड एनिमल्स इन द एरिया, प्लीज बी केयरफुल, डू नॉट लीव द मेन रोड्स ट्रैक्स। तो भाई ये परमीत भाई जा रहा है, इसने बोर्ड नहीं पढ़ा। अगर इसने, तो भाई मैंने बोर्ड पढ़ लिया, ये मेरे पीछे, अगर आप देखोगे मेरे पीछे ये बोर्ड है, ये परमीत भाई आगे आगे जा रहा है, इसने बोर्ड नहीं पढ़ा है। इसको मैं बताऊंगा भी नहीं, अगर इसको मैंने बता दिया तो ये डर जाएगा, तो इट्स बेटर कि ऐसे ही चलें। भाई हाँ भाई, ओ भाई इधर कुछ है यार। ओ भाई क्या है यार, डरा दिया आपने यार, क्या है भाई? तो गाइज वहाँ कुछ भी नहीं था एक्चुअली, मैंने संदेश भाई के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने भी उसके साथ छोटा सा प्रैंक किया था, जिससे वो डर गया था एक्चुअली में। तो फाइनली हम चश्मेशाही के पास नीचे पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ जाने का हमारा कोई भी प्लान नहीं था। यहाँ से हमने ऑटो लिए और डायरेक्ट अपने रूम पर पहुँच गए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में